बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 एंड द टाइटल ऑफ लेक्चर नंबर 5 इज हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स। एंड टुडेज लेक्चर व्हाट वी विल कवर, जस्ट अ क्विक लेक्चर आउटलाइन। इन टुडेज लेक्चर फर्स्ट वी विल एड्रेस हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एज कम्युनिकेशन। इन प्रीवियस लेक्चर्स we discussed a number of time that advertising means communication. You are exchanging your message with your consumer. So in today's lecture we will analyze and evaluate advertising from communication point of view. The second topic that we will address is the effects behind advertising effectiveness. The third one is perception. Fourth one is cognition. The fifth one is the affective or emotional response. And then we will discuss association and then persuasion. And after that we will discuss behavior. So if you go through the lecture outline, you will feel today we are going to discuss to some extent the human psychology, or from the psychological point of view, how advertising works as a communication tool. The communication model. Before discussing how advertising works as communication, we just want to discuss few communication model. The first one is the communication model. Mass communication is generally a one-way process. हमने इससे पहले भी चीज डिस्कस की थी कि एडवर्टाइजिंग मीन्स कि एडवर्टाइजिंग में आपका जो मैसेज होता है वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। आपका मैसेज जो है वो मैसेज के लिए होता है, और इसके अलावा ये है कि कुछ एडवर्टाइजिंग मीडियाज आपके ऐसे हैं जिसमें आपकी वन वे कम्युनिकेशन होती है। नो डाउट देर आर सर्टन मीडियाज के वेयर यू कैन डू द टू वे कम्युनिकेशन, बट मैस कम्युनिकेशन इज जनरली अ वन वे प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ एट द सेम टाइम्स टू वे कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये बात की है कि जब आप मैस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें चांसेस यही है, क्योंकि अगर आपको मैसेज मिलियन लोगों तक जा रहा है तो उनके साथ आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए जनरली हम ये कहते हैं कि ये वन वे प्रोसेस है कि जहां पर सिर्फ आप ही अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा फीडबैक इज ऑब्टेंड बाई मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज। देखें, जब आप कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपेन चलाते हैं या आप कोई भी एड रिलीज करते हैं तो उसका नेचुरली कुछ ना कुछ तो रिस्पांस मार्केट में डेवलप होता ही है। और यही चीज उसने कही है कि फीडबैक इज ऑब्टेंड बाय मॉनिटरिंग द रिस्पांस ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज, कि आपने जो भी एक्टिविटी की, आपने कोई एडवर्टाइजिंग मैसेज कम्युनिकेट किया तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया, क्या लोगों को वो बात समझ में आई, क्या लोगों ने उस पर कोई रिस्पांस दिया। रिस्पांस से मुराद ये है कि क्या आपकी सेल इंक्रीज हुई, क्या आपका इमेज, प्रोडक्ट इमेज जो है वो बेहतर हुआ। अगर तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि आपका जो मैसेज था, जो आपकी एडवर्टाइजिंग थी, आपने जो भी कम्युनिकेशन की है उसका कुछ ना कुछ असर हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर भी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। जब आपने कोई चीज़ एडवर्टाइज की, आपने एक एफर्ट की, एक कोशिश की, तो उसका रिस्पांस क्यों नहीं जनरेट हुआ। इसी तरह हम इसमें एक और चीज़ जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है एडवर्टाइजिंग एज कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग को हम एज ए कम्युनिकेशन कैसे लेते हैं, इसमें ये देखें कि द एडवर्टाइजर्स एंड द एजेंसी डिटरमिन मैसेज ऑब्जेक्टिव। जब आप कोई भी एड या एडवर्टाइजिंग कंपेन डेवलप करते हैं तो उसमें आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है।
समटाइम्स आप अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, समटाइम्स आप कोई इम्पोर्टेंट फीचर आपकी प्रोडक्ट में होता है जो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात आपकी प्राइस में किसी किस्म की कोई चेंज होती है, बाज़ औक़ात आप कोई और इमेज बिल्डिंग पे काम कर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब भी एडवर्टाइजिंग होगी उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है, विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये बात की है कि एडवर्टाइजिंग एज ए कम्युनिकेशन, और उसमें वो ये बात ये कर रहा है द एडवर्टाइजर एंड द एजेंसी डिटरमिन मैसेज ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद उसने इसी में एक और चीज़ का जिक्र किया है, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट द मैसेज विल हैव ऑन द कंज्यूमर। अब देखें, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये डिसाइड करता है कि आप अपने कंज्यूमर में या कस्टमर में किस किस्म की चेंज लाना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका यानी डायरेक्टली लिंक हो रहा होता है कि आप क्या मैसेज जो है वो अपने कंज्यूमर या कस्टमर्स को देना चाहते हैं। इसके अलावा एक और चीज, नॉइस हिंडर्स द कंज्यूमर रिसेप्शन ऑफ द मैसेज। असल में ये जितनी डिस्कशन है ये एक कम्युनिकेशन का बहुत सिंपल सा मॉडल है उस पर बेस कर रही है, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रीवियस स्टडी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मैं आप कुछ क्विकली उसको रिकॉल करवा देता हूँ, स्पेशली अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन पे कोई कोर्स कवर किया हुआ है तो उसमें आपने डेफिनेटली ये मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें कि एक सेंडर होता है, उसके अगेंस्ट जो है एक रिसीवर होता है, और सेंडर जो होता है उसका मैसेज जो है वो इनकोडेड होता है, और जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डीकोड करता है। बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन में ये मॉडल बना हुआ है, और उसमें क्या है कि एक चीज़ उसमें से कही जाती है कि जब सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज जा रहा होता है तो नॉट नेसेसरली कि जिस तरह सेंडर ने मैसेज कम्युनिकेट किया है वैसे ही रिसीवर को वो मैसेज रिसीव हो, बीच में उस मैसेज के दौरान बहुत सारे इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कुछ इंटरप्शन हो सकती है, और उसकी वजह से यह है कि हो सकता है वो पूरे का पूरा मैसेज जो है वो रिसीवर तक ना पहुंचे या रिसीवर उस मैसेज को 100% रिसीव ना कर पाए। अब वो जो फैक्टर्स जो उनसे हैं जो रिसीवर्स और सेंडर के दरमियान में आते हैं या सेंडर से रिसीवर की तरफ जब मैसेज आ रहा होता है, बीच में जो फैक्टर्स हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको हम नॉइस कहते हैं। कि जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉइस, जिस तरह कोई भी हम कहते हैं ना कि अगर मैं आपसे कोई बात करूं बीच में कोई शोर शराबा हो तो शायद आप तक मेरी वो बात मुकम्मल तौर पर ना पहुंच सके, उसी तरह इस कम्युनिकेशन मॉडल में जब रिसीवर से सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज आ रहा होता है तो उसके दरमियान जितनी भी रुकावट आती है जो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम नॉइस कहते हैं। यहाँ पे भी उसने वही बात की है कि नॉइस हिंडर द कंज्यूमर रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, के जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉइस समटाइम्स द वे द एडवर्टाइजर और द स्पॉन्सर और द मैन्युफैक्चरर वांट टू कम्युनिकेट हिज मैसेज मे नॉट बी रिसीव टू द रिसीवर। The reason is because there are certain noises which hinder the message to be able to reach to the receiver. So ये भी एक problem है जिसका आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो चीज़ है, the communication model, advertising as communication and adding interaction to advertising. The third one is adding interaction to advertising. अब इसमें क्या है कि फीडबैक अकर्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ गिव एंड टेक कम्युनिकेशन। देखिए, फीडबैक आपको कब मिलेगी? जब आप फीडबैक लेना चाहेंगे। अगर आप सिर्फ अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और यू आर नॉट ट्राइंग टू लिसन व्हाट द रिसीवर इज सेइंग, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द फीडबैक। देखिए, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि जिससे मैं आपकी भी बात सुन सकूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट एनी फीडबैक। फीडबैक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका टू सम एक्सटेंड आपकी टू वे कम्युनिकेशन हो, कि जहाँ पर आपका मैसेज आ रहा है और उसके बाद आप वहाँ से किसी भी
फॉर्म में वहां से फीडबैक ले सके। इसके अलावा इसी में उसने एक और चीज का जिक्र किया है, अचीव्ड बाय यूजिंग मोर इंटरेक्टिव फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है, जो कि आजकल की मॉडर्न मार्केटिंग में स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है, कि आप कंज्यूमर की फीडबैक जरूर लें। देखिए, फीडबैक ये है ना कि आपको पता चले कि वो आपके मुतल्लिक क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट के मुतल्लिक उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके ब्रांड को वो कहाँ पर वेटेज दे रहे हैं। इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं, यही आपकी फीडबैक है। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको इंटरएक्टिव मीडियाज यूज करने चाहिए। इंटरएक्टिव मीडिया से मुराद ये है कि वो मीडियाज जहां पर ना सिर्फ आप बात कर सकें, बल्कि आपका जो रिसीवर जो है वो भी आपको फीडबैक दे सके, वो भी आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर एम्फेसाइजिंग मोर ऑन इंटरेक्टिव मीडिया और वी आर इनकरेजिंग कि गो फॉर द फीडबैक। देखिए, ये फीडबैक ही होती है कि जो आपको इम्प्रूव करती है, आपके प्रोडक्ट को, आपके इमेज को, आपके ब्रांड को। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी एक बात कहता होता हूँ कि अगर एक शख्स के चेहरे के ऊपर कोई दाग हो, कोई इंक लग गई है या कोई और धब्बा उसके चेहरे पे लग गया है, तो अब उसकी दो ही सूरतें हैं कि या तो उसको कोई बताए कि आपके चेहरे के ऊपर दाग लग गया, आप इसको साफ कर लें, या वो कहीं पर आईना या मिरर को यूज करेगा, देन ही इज एबल टू सी। तो इसी तरह अगर आपके या किसी के भी चेहरे पे दाग हो तो वो उसको खुद नहीं देख सकता अंटिल और अनलेस कोई दूसरा उसको ना बताए। इसी तरह मार्केटिंग में भी आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप अच्छी एडवर्टाइजिंग कंपेन डेवलप करते हैं, आपने अच्छे एड्स डेवलप किए, लेकिन इसका कौन फैसला करेगा कि आपने जो भी अच्छा काम किया है वो वाकई ही अच्छा है और आपका कस्टमर या कंज्यूमर भी उसको ऐसे ही उसको कंसीव कर रहा है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपको रिस्पांस या फीडबैक मिलेगी। और फीडबैक में ये है कि सपोज अगर आप पे कोई क्रिटिसाइज भी करता है, ऑब्जेक्शन भी करता है, इवन वो आपका भला कर रहे हैं, द रीजन इज बिकॉज इफ यू रिसीव द क्रिटिसिज्म, इफ यू रिसीव द ऑब्जेक्शन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट क्रिटिसिज्म और ऑब्जेक्शन इन यूर न्यू प्लानिंग, एंड वट एवर विद द मिस्टेक्स और ब्लंडर्स यू कमिट प्रीवियसली, यू कैन अवॉइड ऑल दीज इन यूर फ्यूचर्स प्लान। देखिए, एक गलती हो गई है, किसी ने आपको बता दिया कि आपने ये काम गलत किया है, तो अच्छा इंसान वो होता है कि जो उससे सबक सीखे और वो उस गलती को इन्हीं के दोबारा ना करे। तो यहाँ पे भी ये जो बात हो रही है कि अचीव बाय यूजिंग मोर इंटरेक्टिव फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, और उससे पहले उसने बात की है कि फीडबैक अकर्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ गिव एंड टेक कम्युनिकेशन, तो रीज़न उसकी ये है कि अगर आप टू वे कम्युनिकेशन पर जाएंगे, अगर आप इंटरेक्टिव मीडियाज पर जाएंगे, देन यू आर एबल टू रिसीव द फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर एंड दैट फीडबैक विल अल्टीमेटली इंक्रीज एंड इम्प्रूव योर इमेज। अच्छा, इसी तरह द इफेक्ट्स बिहाइंड एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। अब देखें, आज के लेक्चर में ना हम थोड़ा सा ना रूटीन से हट के बात करेंगे। हम जो इस आज के लेक्चर में पूरी डिस्कशन करेंगे, हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो हमारी कम्युनिकेशन जो एजेंसी है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग को भी हम एज ए कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। और इस कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, और साथ ही आपको ये भी मालूम हो कि जो आपका रिसीवर है, आपका कस्टमर है या आपका कंज्यूमर है, वो आपके मैसेज को कैसे रिसीव करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, और उससे वो क्या मैसेज और मीनिंग जो है वो ड्राइव करता है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी जब काम करने लगे, अगर आपने कोई अच्छा काम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप जिसके लिए कर रहे हैं उसकी जगह पे जाके देखें कि जब वो चीज़ आपके सामने आएगी तो उसको कैसे लगेगा।
इसी तरह ही है कि जब हम कोई चीज़ नहीं देखना चाहते हो तो हम उसको थोड़े से फासले पे जाके खुद खड़े होकर देखते हैं, कुछ भी बनाया उसको लगाते हैं फिर उसको दूर से खड़े होकर देखते हैं, हालांकि बाज़ का तो उसको हमने खुद ही क्रिएट किया होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी जो काम आप करने जा रहे हैं उसको दूसरे के एंगल से, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोशिश करें, क्योंकि जब आप उस एंगल से देखेंगे तब आपको एक और पिक्चर नज़र आएगी। और ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, ये जो व्यू पॉइंट आपको मिल रहा है, ये उससे कहीं बेहतर है कि जिस एंगल से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, काम करना करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने एक काम करना है, मैं अब उसको अपनी मर्जी से ये समझ के ये कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपकी जगह पर जाऊँ और फिर उस जगह पे जाके मैं ये कोशिश करूँ समझने की कि ये चीज़ मुझे वहाँ से किस तरह चाहिए। और फिर उसके बाद अगर मैं दूसरी तरफ से जाके कोई भी चीज़ डिलीवर करूँगा तो आई हैव अ बेटर आइडिया कि हाउ इट विल बी रिसीव्ड, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। तो यही चीज़ जो सी है आज के हम सारे लेक्चर में बार बार जो डिस्कस करेंगे वो यही है। इसमें अब यहाँ पर अभी मैं शुरू में दो फेमस मॉडल हैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक को हम कहते हैं आइडा, AIDA। अब आइडा मॉडल जो सा है ये एब्रीवेशन है किस चीज़ की, ए स्टैंड करता है अटेंशन के लिए, आई जो सा है वो इंटरेस्ट के लिए, डी जो सा है वो डिज़ायर के लिए है, और ए जो सा है वो एक्शन के लिए। अब ये बहुत फेमस मॉडल है, बहुत सारी जगहों पे जरूर यानी कि यूज़ होता है। और इसमें क्या है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप कोई भी काम करें, सपोज़ अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रेजेंटेशन में जब आप उसको स्टार्ट करें कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जो आपका जो ऑडियंस है या जो आपका जो प्रेजेंटेशन के व्यूअर्स हैं वो एकदम उसके साथ गट अटैच हो जाए, उनको कोई टेंशन नज़र आए, दे विल गिव अटेंशन टू योर प्रेजेंटेशन। तो आपने पहली चीज़ तो ये ख्याल कर रखना है कि उसमें आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि दैट विल इमीडिएटली गेट अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। फिर ये कि आपने उनकी अटेंशन ग्रैब कर लिया, आपको पता है कि अटेंशन का जो स्पैन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ये तो नहीं है कि वो अटेंटिव हुए और उसके बाद कुछ देर के बाद सब कुछ मंजर से गायब हो गया। अब उसके लिए क्या रिकमेंड किया जाता है, उसके लिए ये कहा जाता है कि एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है दैट इज़ इंटरेस्ट, कि आप कोई इंटरेस्ट क्रिएट करें। देखिए, एक बंदा क्यों आपकी प्रेजेंटेशन देखे, एक बंदा है वो आपका ऐड क्यों देखे, जब तक के आपके ऐड के अंदर या आपके मैसेज के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जो उसको अच्छी लगे, जिसकी वजह से वो आपको अटेंशन भी दे, इंटरेस्ट भी ले। और जब ये दोनों चीज़ें होंगी, देखें जब एक शख्स आपकी किसी भी कम्युनिकेशन मैसेज में अटेंशन भी ले रहा है और इंटरेस्ट भी है उसका, तो फिर उसके अंदर नेचुरली एक डिज़ायर क्रिएट होगी। अब वो जो डिज़ायर है जब वो क्रिएट होगी वो उसको मजबूर करेगी कि गो फॉर एक्शन। तो एडवर्टाइजमेंट में भी यही होता है कि हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं बाज़ुकात, यानी कि अगर आप फूड आइटम देखें, उनकी प्रेजेंटेशन देखें, स्थेटिकली उनको देखें, उनकी इन्वायरमेंट देखें, उनकी प्रेजेंटेशन देखें, उनकी डेकोरेशन देखें, द वे द मॉडल, जो मॉडल आपका एडवर्टाइजमेंट में है वो उसको जब कंज्यूम कर रहा होता है वही इतने मज़े से उसको खा रहा होता है कि हमारा भी देख कर दिल करता है। पहले हम उसको देखते रहते हैं, फिर हमारा भी दिल करता है कि यार मैं भी ये चीज़ को टेस्ट करूँ और इसी तरह करूँ जिस तरह ये इन्जॉय कर रहा है, जैसे ये खा रहा है। और फिर वो चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम मार्केट में जाएँ और वो चीज़ खरीद कर लेकर आए। आपने अक्सर देखा होगा यानी कि जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसमें उस जो चीज़ें होती हैं वो बड़ा क्लोजली और बड़े कलरफुल तरीके से दिखाई जाती हैं। केचप का भी ऐड आएगा तो वो केचप इतनी खूबसूरत रेड कलर की आपको वो दिखाई जाएगी।
फिर उसके बाद जब उसके साथ खाने के लिए, अब केचप है, केचप जो सी आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पूरे वो रोस्ट भी नज़र आएंगे, आपको सैंडविचेस भी नज़र आएंगे, आपको फ्रेंच फ्राइज भी नज़र आएंगे। फिर उसके बाद ये है कि वो उसको सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, आपको वो उसके कलर्स, उसकी डेकोरेशन, उसकी प्रेजेंटेशन सब कुछ उसमें नज़र आएगा। फिर उसके बाद ये है कि जब उसको यूज़ करेंगे तो आपने अक्सर नोट किया होगा उसको बड़ा क्लोजली दिखाते हैं कि जहाँ पर अगर सपोज क्रिस्प है, फोर्क यूज़ करके वो क्रिस्प में लगाया और क्रिस्प जो है वो पूरी फुल केचप के अंदर वो जूस को टर्न करते हैं, फिर उसके बाद बड़े यानी कि उसके स्टाइल के साथ उसको खाएंगे और खाने के बाद साथ ही साउंड इफेक्ट भी, और ऐसी खाने के बाद जैसे ऐसे बहुत मज़ा आ गया, आँखें भी ऐसे खुल जाएंगी और बेख्तियार आपके मुँह में ही पानी आ जाएगा। अब ये सारा क्या है, अब ये सारा क्या है कि उन्होंने पहले आपकी अटेंशन ग्रैब की, उसके बाद उन्होंने आपको इंटरेस्ट डेवलप किया, फिर उन्होंने आपके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट की। अब उसके बाद क्या है कि अब आपको भी दिन करेगा, आपको भी फौरन भूख लग जाएगी, आप भी कहेंगे यार कहीं कोई फ्रेंच फ्राइज बनाए, कोई रोस्ट हो, ठीक है कहीं कुछ सैंडविचेज हों तो मैं भी ऐसे मज़े मज़े से खाऊँ। अगर आपको भूख नहीं भी लगी होगी तो उस टाइम आपको भूख लग जाएगी, और वही बात है कि आप कुछ भी जाएं लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो केचप का ऐड था, आप केचप ज़रूर बाई करेंगे। अब ये जो पूरा मैंने आपके सामने एक स्नैरू डेवलप किया है, ये इसी किस्म का है कि यहाँ पर यही कहा जाता है कि जब आप भी कोई प्रेजेंटेशन है या आपकी कोई कम्युनिकेशन है या आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, आपने कभी नोट किया है कि जिन लोगों की हम बात बड़े गौर से सुनते हैं उनका अंदाज़े बयां भी उतना ही अच्छा होता है, वो बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े वो ठहर ठहर के बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, और बात को छोटी सी बात भी हो उसको ऐसे बयान करते हैं कि हम ना भी सुनना चाहें तब भी हम बड़े सुन रहे होते हैं, जैसे पता नहीं कितनी अहम बात है। तो यही हम कम्युनिकेशन यानी एडवर्टाइजिंग में भी हम यही कहते हैं कि आप जैसे ही है आइडा मॉडल है कि आपका जो कम्युनिकेशन जो सी है वो तभी ही इफ़ेक्टिव होगी जब उसमें अटेंशन का एलिमेंट भी हो, उसमें कुछ आप इंटरेस्ट भी क्रिएट करें, इसमें कुछ डिज़ायर भी, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें डिज़ायर भी डेवलप करें, और ये सब कुछ जो है ये क्या करेगा, ये आपके कस्टमर या कंज्यूमर को मजबूर करेगा कि ही विल गो फॉर एक्शन। और अगर ऐसे हो जाता है तो आपका जो मैसेज उनसे दैट मींस कि इट वेल रिसीव एंड यू आर एबल टू अचीव योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसी तरह एक और मॉडल भी है, उसमें हम कहते हैं कि थिंक फील डू। लेकिन डिफरेंट यानी कि रिसर्चर्स कह लें, ऑथर्स कह लें, फिलोसफर कह लें, वो अपने अपने उनके ऑब्जर्वेशन होती हैं, वो उसकी बेसिस पे सर्टन मॉडल डिवेलप करते हैं। तो यहाँ पे भी एक और जो है कि जी थिक फील डू, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपके कस्टमर को मजबूर करे कि वही बात है कि वो सोचे। जैसे हमें भी है ना, जब कोई बड़ा आदमी बात करता है, कोई बुजुर्ग बात करता है, तो वो जब अच्छी बात करता है तो उसके बाद वो हमें कहता है कि ना आप इस पे गौर करें, थिंक अबाउट इट, ठीक है आप इस पे गौर व फिक्र करें। रीज़न ये होती है कि आप इस पे सोचें, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम उन पे गौर व फिक्र करते हैं, हम समझते हैं, अपनी अकल, अपनी यानी जो भी अल्लाह मियाँ ने हमें आईक्यू लेवल दिया हुआ है या समझ बूझ दी हुई है उसके मुताबिक हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम वही बात है कि हमें कुछ एहसास होता है, जिसको उन्होंने कहा कि जी फील, कि हमें फिर कुछ फीलिंग आती है। ये होता है ना कि जब हमें कोई डांटता है तब भी हमें कुछ फीलिंग महसूस होती है, जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, जब कोई हमारी इज्जत अफजाई करता है, जब कोई हमें इनक्रेजमेंट करता है या हमें कोई डिस्करेज करता है, तो इन सारे फैक्टर्स का हम पे कोई ना कोई असर ज़रूर होता है, हमें कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर आती है। अब उस फीलिंग के बाद जो थर्ड जो चीज़ है जो इस मॉडल में है, कि फिर वो हमें मजबूर करती है कि हम उसका कुछ ना कुछ रिस्पांस देते हैं, जिसको उसने कहा कि जी डू। एक है कि थिंक फील डू, तो
ये भी एक मॉडल है जिसमें वो कहते हैं कि जी आप जब कम्युनिकेशन करें तो आपके कम्युनिकेशन से ये है कि दूसरा जो आपका जो रिसीवर जो है वो कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए, जब वो सोचेगा तो वो कुछ महसूस भी करेगा, जब वो महसूस करेगा तो फिर वो कुछ करेगा भी। तो यही जो चीज़ है कि आपका थिंक फील डू मॉडल जो है वो इसी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहा है। फिर उसके अलावा यह कि फैसेट्स मॉडल ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, फिर एक और भी इन्होंने मॉडल जो है वो डिवेलप किया है जो कि हम आज के इस लेक्चर में ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पहले दो मॉडल मैंने कोशिश किया है कि आपको एक्सप्लेन कर दें, और रीज़न ये है कि मैंने इनको उस तरह क्यों नहीं एक्सप्लेन किया कि हो सकता है कि ये मॉडल आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़े हों, तो इसलिए मैं उसको इतनी डिटेल में नहीं, उस समय मैंने आपको ड्रॉ करके उसमें नहीं किया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर आपने नहीं भी पढ़े हों तब भी आपको समझ आ जाएगा आइडिया से क्या मुराद है और थिंक फील डू मॉडल से क्या मुराद है। अब जो तीसरी जो चीज़ है दैट इज फेसेट्स मॉडल ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है कि द फेसेट्स कम टुगेदर टू मेक अप द यूनिक कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजिंग मैसेज। अब ये छोटा सा जो ये जो मॉडल है इसमें यानी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, और इन फैक्टर्स की जो हम कहते हैं कि बेसिकली देयर आर सिक्स इफेक्ट्स एंड द कैटेगरीज ऑफ इफेक्ट्स आर, ठीक है। ये फेसेट्स मॉडल ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्या है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग तो आप किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट्स का ख्याल रखेंगे और उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और इन अ वेरी नाइस एंड बैलेंस वे। अगर आप ये कर देते हैं तो आपके जो एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है आपकी जो कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, उसका जो रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा आएगा। आइए देखते हैं कि ये जो सिक्स इफेक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं। एक हम कहते हैं परसेप्शन, परसेप्शंस आगे जाके इसकी डिटेल डिस्कशन आएगी, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूं कि परसेप्शंस मींस कि हाउ वी परसीव, ये जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना हमारी उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम उससे क्या समझते हैं। एक तो ये आपका जो फर्स्ट इफेक्ट है, फिर उसके बाद आपका जो सेकंड इफेक्ट है दैट इज कॉग्निशन, कॉग्निशन मींस अंडरस्टैंडिंग। जब हम कोई भी चीज़ को हम अपने दिमाग में लेकर आते हैं उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर हमें बात समझ आ जाए तो अच्छी बात है, बाज़ का तो हमें बात समझ नहीं भी आती, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उसको अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया। अंडरस्टैंड करेंगे फ़ायदा होगा, नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ये है कि बात ही ख़त्म हो गई। तीसरा जो है इसमें दैट इज अफेक्टिव इमोशंस फील, और उसके बाद क्या है एसोसिएशन कनेक्ट, फिर नंबर 5 पे है परसुएशन बिलीव, और फाइनली नंबर 6 पे आपका आ जाता है बिहेवियर एक्ट। देखिए अगर आप ये देखें बड़ा सिंपल सी लॉजिकल इसकी रीजनिंग है, पहले ये कि हमारा वही बात आ जाती है कि हमारी परसेप्शन क्या है डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक, फिर उन्हीं के बेसिस पे हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप जिसे हम कहते हैं कॉग्निशन या आपके माइंड में होती है। जैसे मैं ये समझता हूँ कि सपोज एक शख्स है वो कहता है जी दुनिया बहुत अच्छी है, या अब उसकी परसेप्शन है। अब कॉग्निशन में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है उसकी इंट्रैक्शन हर एक अच्छे बंदे से हो, उसके सामने कोई ऐसी एग्जाम्पल ही ना हो, इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी ये सब है। अब इफेक्टिव इमोशंस क्या, उसकी फीलिंग्स भी वैसी होंगी, वो कहेगा नहीं जी दुनिया में कोई बुरा शख्स होता ही नहीं, दुनिया में तो सारे अच्छे लोग होते हैं। फिर एसोसिएशन उसकी क्या है कि वो लोगों के साथ भी उस तरह कहेगा कि जी बिकॉज एवरीबॉडी इज नाइस गुड हम्बल। परसुएशन क्या है, उसका बिलीव भी यही है, वो उसी तरह उसका बिहेवियर भी यही होगा, वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा एक्ट करेगा। बहरहाल हम इसको आगे जाके लिंक करते हैं एडवर्टाइजिंग के साथ, हम कोशिश करते हैं कि समझने की। फर्स्ट हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट इफेक्ट दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन की जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज द प्रोसेस बाय विच वी रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू आवर 5 सेंसेस एंड असाइन मीनिंग टू इट। बड़ी उसने सिंपल सी बात की है, कॉम्प्रिहेंसिव बात की है, उसने कहा कि हमारी 5
जो हिस्से हैं, हिस्से उनसे जो हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को हम जो भी मीनिंग देते हैं, ये हमारी परसेप्शन है। अब इसमें उसने आगे जाकर डिस्कस किया हुआ है कि आपका वो फर्दर उसने परसेप्शन को, एक आपका आता है एक्सपोजर, बीइंग सीन और हर्ड। देखें आप एक्सपोज जब होते हैं, जब आप कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं, दो ही चीजें हैं ना जब आप एक्सपोज होते हैं। मैंने कुछ चीज देखी या मुझे मेरे कानों में कोई चीज पहुंची, तो दो ही आपके हैं कि जहां से आप एक्सपोज होते हैं, बाय सीइंग और बाय हियरिंग। तो यहां पे भी यही है कि एक्सपोजर। और उसके बाद है मीडिया प्लानर्स ट्राई टू फाइंड द बेस्ट वे टू एक्सपोज द टारगेट ऑडियंस टू द मैसेज। अब आपने देखें इसको आप कोशिश करें लिंक करने की विद एडवर्टाइजिंग और मोर स्पेसिफिकली विद योर एडवर्टाइजिंग मैसेज, जिसको हम कहते हैं जी कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है कि मैंने अभी आपको बताया है कि एक्सपोजर को हम डिस्कस कर रहे हैं परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें यह है कि आप देखते हैं और सुनते हैं। एक बार अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो विजुअल्स हैं या जो चीज़ आप शो कराना चाह रहे हैं वो आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सिमिलरली कुछ चीज़ें जो सी हैं आप उनको विजुलाइज नहीं करवा सकते, उनको आप उसमें लेकर जाते हैं कि हियरिंग साइड पर। देखिए जितने भी ऐड बनते हैं उनके साथ म्यूजिक भी होता है, ग्राफिक्स भी होती हैं, तभी जाके अच्छा ऐड बनता है। फिर बाज़ बात ये भी होता है कि जहाँ पर सिर्फ आपकी वॉइस है या आपकी ऑडियो है या आपकी यानी कि ग्राफिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, जैसे रेडियो है, रेडियो पर भी एडवर्टाइजमेंट होती है, अब रेडियो पर कोई तस्वीर तो नहीं आती। अब ये देखें यही चीज़ें जो सी इनको कितनी है, अभी आप देखें कि वॉल्स है, एक जो आइसक्रीम का ब्रांड है या आपका जो दूसरा आइसक्रीम का है ओमोर, अब इनकी आपकी हर गली मोहल्ले स्ट्रीट्स में जब इनकी वो बाईसाइकिल पे वो आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो वो क्या करता है, हम उसको देख नहीं सकते। जब अपने घर में बैठे होते हैं स्ट्रीट में, अगर वो आइसक्रीम बेचने वाला आ गया हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो म्यूजिक प्ले करता है। वो एक्सपोज कैसे हो रहा है, बाय हियरिंग। एकदम बच्चे को भी, जिस बच्चे को बिल्कुल किसी चीज का पता नहीं है, जिसको क्या नाम है वॉल्स पढ़ना नहीं आता, जिसको ओमोर को पढ़ना नहीं आता, लेकिन जब वो भी उसकी आवाज सुनता है तो वो भी फौरन कहता है कि आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया। तो जब आप उसको ऐड में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट देखें, कोई भी है जैसे आपके रेडियो के ऐड देखें उसमें तो कोई पिक्चर नहीं आती, टोटली वो जो है आपकी हियरिंग पे बेस कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बतानी है कि आपकी परसेप्शन कैसे डेवलप होती है, बाज़ का वो आवाज़ के उतार चढ़ाव से, बाज़ का वो म्यूजिक से, बाज़ का वो बैकग्राउंड साउंड से। बारिश का भी समय है तो हमें पता चला कि बाहर बारिश हो रही है, वो सिर्फ हम कैसे कहते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं तो उसकी साउंड डाल दें, सुबह का मंजर बयान करना है तो उसके लिए कुछ साउंड डाल दी, शाम का मंजर है, उदासकुन है, खुशकुन है, जो भी है, तो वो सारा क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कोई सनराइजेस दिखा रहे हैं, कोई सनसेट दिखा रहे हैं, आप सिर्फ एक म्यूजिक से, साउंड से भी वही समा क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए परसेप्शन में एक चीज़ आपकी आती है एक्सपोजर। IMC प्लानर कंसीडर ऑल कॉन्टेक्ट्स अ कंज्यूमर हैज विद अ कंपनी और ब्रांड। अब जो इंडिकेटर मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ये सारे जितने भी हैं ना ऑल कॉन्टेक्ट्स इसको यूज़ करते हैं ताकि उनका जो कम्युनिकेशन है वो उतनी ही स्ट्रांग हो, उतनी ही पावरफुल हो, उतनी ही इफ़ेक्टिव हो। और वो कब होगी, जब आप एक्सपोजर में सीन और हर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन डालेंगे, जब आप विजुअल भी डालेंगे, साउंड भी डालेंगे, तब जाके ये आपकी चीज़ डेवलप होगी। फिर परसेप्शन में एक और चीज़ आती है सिलेक्शन एंड अटेंशन, द एबिलिटी टू ड्रॉ अटेंशन टू ब्रिंग विजिबिलिटी। देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ जो सी है उसकी तरफ हम अटेंटेटिव नहीं होते, हर चीज़ को हम सिलेक्ट नहीं करते। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि अगेन वही है कि जी आप अटेंशन गेन कर सकें, आप विजिबिलिटी है कि लोग जो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम इंटरेस्ट है, हमको देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि आपकी जो भी एक्टिविटी है लोग उसमें इंटरेस्ट शो करें।
वन ऑफ एडवर्टाइजिंग्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स जो सी है वो यही आपकी सिलेक्शन और रिटेंशन है. इंटरेस्ट एंड रेलिवेंस जो है दिस इज द सेकंड इंटरेस्ट. द रिसीवर ऑफ द मैसेज हैज़ बिकम मेंटली इंगेज विद द एड एंड द प्रोडक्ट. देखिए जब आप सिलेक्शन एंड अटेंशन में जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आप उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और आपको उसमें कोई ना कोई रेलिवेंस भी नज़र आएगी. देखिए जब तक चीज़ें जो सी हैं वो हमारे उसके साथ मैच नहीं करें तो हमें वो ना अट्रैक्ट करती हैं ना हमें वो एक्शन में मजबूर करती हैं. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बीइंग अ मार्केटर के आप कोई ना कोई रेलिवेंस लेकर आए. अब जो रेलिवेंस की उसने बात की है इसमें वो ये कह रहे थे मैसेज कनेक्ट्स ऑन सम पर्सनल लेवल. देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कहीं जाके आप उसको लिंक कर सके जो मैसेज जो है उसको आप लिंक कर सके. मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको समझ आ जाएगा कि रेलिवेंस से क्या मुराद है. वैसे तो मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ शायद आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आए लेकिन मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा कि रेलिवेंस का कम्युनिकेशन से क्या तल्लुक है. जो इसने बात नहीं की कि द मैसेज कनेक्ट्स ऑन सम पर्सनल लेवल कि आपका मैसेज जो है जब तक उसके किसी यानी कि जो उसका जाती जो इश्यूज हैं या वो उसके साथ नहीं मैच करेगा वो इफेक्टिव मैसेज नहीं होगा. ये इसी तरह ही है कि मेरे एक दोस्त ने जिक्र किया कि उसके पास एक फकीर आया. फकीर ने उसको बड़ी दुआएं दी. वो कहता मुझे कोई उससे नहीं हुआ. उसने कहा कि जी अल्लाह मियाँ तुम्हें से दे तरक्की दे ये हो वो हो कुछ नहीं हुआ. उसने कहता जी और बड़ी बातें की कुछ भी नहीं है. कहता करते करते कहता कि जी मैं चुप करके खड़ा रहा. कहता एक स्टेज पर उसने कहा कि अल्लाह मियाँ आपको इम्तिहान में कामयाब कर दे. और कहता मैंने वाकई पेपर दिए हुए थे. कहते जो ही उसने ये बात कही कि जी अल्लाह मियाँ आपको इम्तिहान में कामयाब कर दे कहते मेरे फ़ौरन जेब में हार डाला. कहता जो भी मेरे जेब में 10, 20, 50 जो भी थे कहते जी मैंने निकाल के उसके थैली पे रख दिए. क्यों मैंने कहा कि यार और साथ में कहा जी बाबा जी दुआ करें अल्लाह मियाँ मुझे वाकई इम्तिहान में कामयाब कर दे. अब रीज़न क्या है कि उससे पहले उसने कहा कि जी तुम्हारी उम्र दराज हो तुम्हें अल्लाह मियाँ से दे तरक्की दे ये दे वो दे पता नहीं कितनी उसको दुआएं दी हैं लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ. क्योंकि वो उस टाइम उसके साथ उसके जो भी जिस यानी कि स्टेट ऑफ माइंड में वो था जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा था जो उसके कंसर्न थे उसके साथ शायद वो मैच नहीं कर रहा था. क्योंकि वो बीमार नहीं था सेहतमंद था. इसलिए किसी को ये कहा जाए कि जब सेहतमंद होता है उसको अल्लाह मियाँ तुम्हें सेहत उसको इतनी कदर नहीं होती है. ठीक है हाँ अगर कोई बीमार हो सको कि अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे वो कहेगा जी आमीन दुआ करें कि अल्लाह मियाँ मुझे सेहत दे मैं सेहत हो जाऊँ जो मेरी अच्छी सेहत हो जाए. तो यहाँ पे भी जो रेलिवेंस का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब तक आपका मैसेज जो है वो आपके रिसीवर के पर्सनल लेवल के साथ जाके मैच नहीं करेगा तो इट विल नॉट मोटिवेट इट विल नॉट अट्रैक्ट इट विल नॉट क्रिएट एनी डिज़ायर इट विल नॉट सेंड द रिसीवर फॉर एन एक्शन. अगर आप ये चाहते हैं कि वो मोटिवेट हो वो आपके मैसेज को है कोई एक्शन करे कोई आपकी प्रोडक्ट को बाई करे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट जहाँ पे क्रिएट करें वहाँ पर उसके अंदर कोई ना कोई रेलिवेंस लेकर आए ताकि वो उसको असर करे. अच्छा परसेप्शन में एक और चीज़ है फिर अवेयरनेस. रिजल्ट्स व्हेन एन एड इनिशियली मेक्स एन इम्प्रेशन. ठीक है कि जब आपका कोई भी एड जो है वो कोई इम्प्रेशन क्रिएट करता है तो इसका मतलब है कि उसको कुछ अवेयरनेस है. जब आपको अवेयरनेस है कि तभी आप कुछ करेंगे. मोस्ट वैल्यूएशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इंक्लूड अ मेजर ऑफ अवेयरनेस एज एन इंडिकेटर ऑफ परसेप्शन. वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम अवेल्युएशन करते हैं कि कितना इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग मैसेज है तो उसमें हम ये देखते हैं कि अवेयरनेस कितनी है. इसमें डिफरेंट ड्रिल्स हैं यानी आसान अल्फाज में ये होता है कि आपको प्रोडक्ट दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि जी ये क्या चीज़ है. ऐड दिखाया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि जी आपने ये ऐड देखा है. देखिए पहली चीज़ ये ना कि अवेयरनेस. अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है अगेन इस थोड़ी सी हट के बात करूँगा कि जब कोई बंदा गलत काम कर रहा होता है और एक कोई अकलमंद दाना आदमी होता है तो वो यही कहता है कि यार इस बेचारे का कोई कसूर नहीं इसको अवेयरनेस नहीं है.
इसको समझ ही नहीं है, ये लाइल्मी में ना समझी में जो सा ये हरकतें कर रहे हैं, अगर इसको समझ हो इसको मालूम हो तो ये जानबूझकर ये काम करें। तो यहाँ पे भी यही है कि जो एडवर्टाइजर जब कम्युनिकेट करता है तो उसका पहला काम क्या है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे, वो एक अंडरस्टैंडिंग दे, जब उसको समझ होगी उसको पता होगा। देखिए आप सारा दिन मेरे सामने ये राग गलापते रहेंगे जी विद विटामिन ए एंड डी या फोर्टिफाइड विद आयरन, या मुझे कहेंगे जी एक्स्ट्रा रिफाइन, या मुझे आप कहेंगे कि जी लो कोलेस्ट्रोल। मुझे पता ही नहीं है कि जी विटामिन ए एंड डी क्या चीज़ होती हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इनका फ़ायदा है भी या नहीं है, या ए बी सी डी की तरह ये भी कोई ए एंड डी है, ठीक है, तो मैं उस पर क्या, मैं उससे क्या इन्फ्लुएंस होगा, मेरा उस पर क्या असर होगा। मुझे पता ही नहीं है कि जी फोर्टिफाइड विद आयरन या फोर्टिफाइड क्या होता है, या आयरन का क्या फ़ायदा है, ये कौन सा आयरन है, ठीक है, या मैं ही कह रहा हूँ कि जी अल्ट्रा रिफाइन या लो कोलेस्ट्रोल। मुझे पता ही नहीं कि कोलेस्ट्रोल जो है वो होता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, और ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें एक जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। जब आपके मैसेज में अवेयरनेस होगी, उसको समझ आएगी, तो देन जब मुझे पता होगा कि विटामिन ए एंड डी कितना मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है, विटामिन ए के क्या फ़ायदे हैं और विटामिन डी के क्या फ़ायदे हैं, जब मुझे पता होगा कि कोलेस्ट्रोल जो है एक ख़ास हद तक तो बेनिफिशियल है, जब उसकी क्वांटिटी आपकी बॉडी में उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो नुकसानदेह है, इसलिए आप उसको अवॉइड करें, तो मैं फिर उसके लिए कंसर्न शो करूँगा। जब मुझे पता होगा कि आपका जो है आपकी जो बॉडी है उसको आयरन की कितनी ज़रूरत है और आयरन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, तो नेचुरली फिर आई विल गो फॉर दैट आयरन। तो यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं कि परसेप्शन में आपने अवेयरनेस क्रिएट, फिर उसके बाद ये होता है रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन में क्या है कि रिकॉग्निशन में आपकी मेमोरी आती है, एक रिकॉग्निशन है, एक रिकॉल है। देखें मेमोरी क्या है, जो हमारी याददाश्त होती है, रिकॉग्निशन क्या है कि जिसको हम एक दफ़ा देखें, मैं जैसे हम कहते नहीं कि हाँ मैंने कहीं देखा हुआ है, जैसे हम किसी से बाज़ का मिलते भी नहीं है तो हम कहते हैं हाँ मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, मैंने आपका कहीं नाम सुना हुआ है, या आपका चेहरा फेमिलियर सा है, मैं कहीं आपको है ये वो। अब ये क्या, हमें रिकॉग्निशन है लेकिन हम उसको रिकॉल, यानी कि उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हम, या हमारी मेमोरी में वो नहीं है। रिकॉल क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, फ़ौरन कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया कि मैंने पहले भी वहाँ पर ये भी चीज़ मैंने वहाँ देखी थी, और ये वो ही है जो हमारे यानी टी वी एड पे आ रही थी, या वहाँ पर भी आपको डिस्प्ले पे ये चीज़ थी। अब ये क्या, आपने फ़ौरन जब वो चीज़ देखी तो आपने उसका उसके साथ लिंक क्रिएट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपने क्या करना है कि आपने उसकी मेमोरी में वो चीज़ डालनी है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करवाना है कि जी हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मैंने ये कहीं देखी है, मुझे इसका आइडिया है, वो उसको देखकर वो रिकॉल कर पाए। रिकॉल ऐसे ही ना जैसे अब आप ऐड देखते हैं, उसके बाद आप वही चीज़ वही प्रोडक्ट जाके जब अपनी यानी कि घर के करीब वाली मार्केट की में शॉप पे देखते हैं तो आप उसको रिकॉल कर लेते हैं, हाँ हाँ एग्जैक्टली ये जो ऐड रात चल रहा था ये उसमें उन्होंने बताया था ये चीज़ है, और शॉपकीपर का और वहाँ पर आपका काम उसका काम आसान हो जाता है और आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह एक सबलिमिनल इश्यूज आते हैं। सबलिमिनल की टर्मिनोलॉजी जो सी है वो एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ होती है, कंज्यूमर बिहेवियर में भी यूज़ होती है, साइकोलॉजी में भी यूज़ होती है। सबलिमिनल इफेक्ट्स आर मैसेज क्यूज गिवन बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ परसेप्शन। पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। Critics claim that advertising can manipulate people subconsciously and cause them to buy things they don't want or need. Third, professionals and educators believe there is no real support for subliminal advertising. अब ये एक ना subliminal issue है। Subliminal से मुराद ये है कि जब कोई भी message या advertisement consumer देखता है
तो बाज़ अवक़ात वो उसमें से अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको उसमें से कुछ और मैसेज भी वो उसमें से निकाल रहा होता है, या उसको कुछ और भी समझ आ रही होती है, जो कि ना तो एडवर्टाइज़र हाईलाइट कर रहा होता है ना कि उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो क्या है कि वो बिलो द थ्रेश होल्ड परसेप्शन है, हर एक को वो नज़र नहीं आएगी, हर एक को वो मैसेज नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग जो उनसे हैं वो उसमें से भी कोई और मैसेज निकाल रहे होते हैं। मैसेज एक्चुअली कुछ और होता है फ्रंट में, लेकिन उनको उसी के अंदर ही कुछ और चीज़ भी नज़र आ रही होती है। अब इसको वो कहते हैं सबलिमिनल इश्यूज। नॉर्मली इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट है। मार्केटर्स यानी बाज़ बिलीव करते हैं कि जी सबलिमिनल नाम की है, और इस पे कुछ 70s के बाद, कुछ 1970s के बाद कुछ काम भी हुआ है इसमें। मार्केटर्स ने सबलिमिनल को कोशिश की है इनकॉर्पोरेट करने की एडवर्टाइजिंग में, लेकिन जो कंज्यूमर बिहेवियर के लोग हैं या ह्यूमन साइकोलॉजी के लोग हैं, उनका ये कहना है मोस्टली कि सब लिमिनल नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ये ऐसे ही लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए सब लिमिनल क्या है कि जैसे बाज़ बात वो ये नहीं कहते कि जी ये पेप्सी जो लिखा हुआ है इससे मुराद ये है, ये जो नोट है इसके अंदर अगर आप ये देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये जो गाड़ी है इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें से ये है, या ये इस तरह है, ये इस तरह है। अब बज़ाहिर वो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको, आम आदमी को नहीं, लेकिन जब आप गौर से देखें तो आपको उसमें से कुछ लोगों को वो चीज़ नज़र आती है या है, तो वो हालांकि वो मैसेज कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो मैसेज ऑटोमेटिकली वो ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सबलिमिनल। तो बहरहाल इस पे कोशिश करेंगे अगर कहीं और डिस्कशन हो सकी, और मैं कोशिश ये भी करूँगा, वादा नहीं करता कि अगर मुझे कोई अच्छी सी एग्जांपल मिल गई तो मैं किसी स्टेज पे शायद आपसे शेयर करूँ, लेकिन सबलिमिनल जो उनसे है वो एक डिबेटेबल इशू है, और अगर आप चाहें तो इस पे यानी कि सर्च करके देख लें, आपको इस पे बहुत सारा मटेरियल भी मिल जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो था दैट इज़ कॉग्निशन। हाउ कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन, लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग। कॉग्निशन से मुराद ये है कि जो आपने परसेप्शन डिवेलप की है उससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो रही है, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है वो क्या काम कर रहा है, वो क्या है। बाज़ अवक़ात दो लोग होते हैं, वो एक ही चीज़ देखते हैं, उसके बाद उन दोनों का अगर आप उनको देखें तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग होती है टोटल डिफरेंट होती है। एक एक बात कर रहा होता है, दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा होता है। अब रीज़न क्या है कि उन दोनों की अपनी परसेप्शन है, और उनकी बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग वो जो से अब कुछ और उनका माइंड उनको बता रहा है। अब कॉग्निशन में क्या है कि एक आपकी आती है वो ही नीड्स द कॉग्निटिव इम्पैक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैसेज, कि आपने जब अंडरस्टैंड डिवेलप हुई तो उसके बाद क्या हुआ। अ कॉग्निटिव एड एक्सप्लेन्स हाउ अ प्रोडक्ट वर्क्स एंड व्हाट इट कैन डू फॉर द कंज्यूमर। देखिए जो आपके होते हैं कॉग्निटिव एड, उसमें क्या होता है कि आपको पूरी पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाती है, आपको बताया जाता है कि ये चीज़ इस तरह है, ये ऐसे है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो, आपको समझ आए। तो यहाँ पे भी यही है, उसने कहा कि द कॉग्निटिव इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज, अ कॉग्निटिव एड एक्सप्लेन हाउ अ प्रोडक्ट वर्क्स एंड व्हाट इट कैन डू फॉर द कंज्यूमर। और आप इस तरह जो से अपने कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं, उसको बताते हैं, उसको कहते हैं कि जी ये चीज़ है, इसको इस तरह इस्तेमाल करें, ये होगा, इसने ये किया। बहुत सारे एड जो से हैं वो इस पे बेस कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि जी इस शख्स ने इस तरह किया, और उसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, और उसका रिजल्ट ये है। अब वो आपको कॉग्निशन, एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के, अगर इफ़ यू डू इन द सेम वे यू विल आल्सो बी एबल टू गेट द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद कॉग्निशन में एक और क्या, इंफॉर्मेशन फैक्ट्स अबाउट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। जहाँ पे आपको क्यों प्रोडक्ट के फैक्ट्स बताए जाते हैं, फीचर्स बताए जाते हैं, और उसी की बेस पे बाज़ वक़्त हम ये कहते हैं कि जी आपको मालूम है कि इसमें ये है, ये है, ये है, इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इसकी ये क्या नाम है परफॉर्मेंस यानी कि इंडिकेटर्स हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं। बाज़ अवक़ात एक मशीनरी है वो बिल्कुल बंद है, अब हमें क्या पता है कि इस बॉक्स के अंदर, इस मशीनरी के अंदर क्या चीज़ है। लेकिन जब उसके हमें वो फैक्ट्स बताए जाते हैं, उसके हमें स्पेसिफिकेशंस बताई जाती हैं, उसके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जब हमसे शेयर किए जाते हैं, तो फिर हमें पता चलता है
कि यार ये जो चीज़ है ये उससे कहीं बेहतर है और ये अच्छी चीज़ है. पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर कॉम्प्लेक्स है हाई प्राइस और आर हाई रिस्क. नॉर्मली हम ये कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, आम आदमी उसको समझ नहीं सकता, उसको नो हाउ नहीं होती है, वहाँ पर हम फिर ये चीज़ यूज़ करते हैं और उसको बताते हैं कि ये जो आप चीज़ ले रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है. अगर हम इसको मार्केट कर रहे हैं या हम इसकी अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो सी हैं उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि उनको एक्सप्लेन किया जाए. अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे नो बॉडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. जब अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो बात आगे नहीं बनेगी. इस तरह कॉग्निशन में एक और चीज़ है कॉग्निटिव लर्निंग. व्हेन अ प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग. जब हमें कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है, हमें बताया जाता है, तो नेचुरली हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. उस प्रेजेंटेशन से पहले, उस डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले, उस एक्सप्लेनेशन से पहले वी डोंट नो एनीथिंग. बट आफ्टर गेटिंग द प्रेजेंटेशन, आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग, कि आपने एक चीज़ जो सी है वो सीखी. अब इसी तरह यूज बाई कंज्यूमर हु वॉन्ट टू लर्न एवरी थिंग अबाउट अ प्रोडक्ट बिफोर दे बाई इट. देखिए, कंज्यूमर्स की भी एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कोई चीज़ उस वक़्त तक नहीं खरीदते जब तक कि उनको उस चीज़ की सारे समझ ना आ जाए. वो जानना चाहते हैं, वो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी आप मुझे बताएं ये कैसे काम करेगी, ये क्या चीज़ है, वो क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इन स्पेसिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट है जो दूसरी प्रोडक्ट है उससे कैसे बेहतर है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है. अब ये जो इस किस्म के कंज्यूमर होते हैं वो कभी भी कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे. दे विल नॉट मेक बाइंग डिसीजन अनटिल और अनलेस आप उनको सारी चीज़ें जो उनसे एक्सप्लेन ना करें, उनको सिखाएं ना, उनको बताएं ना. तो यहाँ पर एक कॉग्निशन में जो उनसे आपकी ये कॉग्निटिव लर्निंग है. फिर कॉग्निशन में एक होता है डिफरेंशिएशन, कि जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, अकर्स व्हेन कंज्यूमर अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देखिए, हमें कौन बताता है कि जी ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरह है, ये हमें मार्केटर्स एडवर्टाइजर्स ही बताते हैं कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंशिएशन वी टेक अ डिसीजन कि ओके आई विल गो फॉर दैट बिकॉज दिस इज़ द डिफरेंस एंड आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर फीचर. तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं डिफरेंशिएशन. अ कंज्यूमर हैज़ टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ ब्रांड एंड बी एबल टू कंपेयर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स. और कंज्यूमर उसके लिए क्या है कि उसको वो जानना चाहता है कि यार प्रोडक्ट ए के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट बी के क्या फीचर हैं, ए और बी में क्या फ़र्क है, क्या ये सेम है या इनमें कोई फ़र्क है. जब आप उसमें कोई फ़र्क क्रिएट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है. और क्योंकि हम यही कहते हैं कि ऑलवेज क्रिएट डिफरेंशिएशन फ्रॉम ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ यू कम्युनिकेट द सेम डिफरेंस टू योर कंज्यूमर देन यू आर एबल टू क्रिएट अ ब्रांड फॉर योर सेल्फ. ठीक है, जब आपका एक फीचर ऐसा होगा कि जो बाकियों में नहीं है तो नेचुरली पीपल विल गो फॉर दैट. तो यहाँ पे भी ये रिकॉल जो है व्हेन द कंज्यूमर रिमेंबर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट एंड रिमेंबर द कॉपी पॉइंट्स. देखिए, रिकॉल क्या है कि जब कंज्यूमर वही चीज़ें जब देखे तो वो कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके ऐड में भी बता रहे थे, मैंने ऐड में भी देखा था एग्जैक्टली यही चीज़ है, यही फीचर्स हैं. तो ये क्या है, ये सारी रिकॉल में आते हैं. ऐड यूज जिंगल्स, स्लोगन्स, कैची हेडलाइंस, इंट्रिगिंग विजुअल्स एंड की विजुअल्स. अब उसके लिए जितने भी आपके जिंगल्स आते हैं, जिंगल्स बेसिकली क्या है, ये आपके जो म्यूजिकल जो आपके एडवर्टाइजमेंट में होते हैं, म्यूजिकल जो आपकी चीज़ें आती हैं, स्लोगन्स होते हैं, कैची हेडलाइंस होती हैं. अब रीज़न क्या है, वो सिर्फ इसलिए है कि कंज्यूमर उनको रिकॉल कर सके. कंज्यूमर उनको यानी जब उसने उसको याद करना है तो उसके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसके कभी हम उसको म्यूज़िक की बेस पे हम रिकॉल करते हैं, कभी हम विजुअल की बेसिस पे उसको रिकॉल करते हैं, कभी हम स्लोगन्स की बेसिस पे करते हैं. मैं भी आपसे पूछूं डू इट, आप कहेंगे नाइकी. तो ये सारा क्या है, इसने कोई म्यूज़िक प्ले किया जाए आप फ़ौरन उसको रिकॉल कर लेंगे.
तो ये जो है ये आपका पार्ट ऑफ द कॉग्निशन है. द इफेक्टिव और इमोशनल रिस्पॉन्स जो है मिरर्स अ पर्सन्स फीलिंग अबाउट समथिंग. ये देखें ये आपका जो रिस्पॉन्स होता है ये आपकी एक तरह से रिफ्लेक्शन होती है कि आपके माइंड में क्या आप क्या फील कर रहे हैं. स्टिमुलेट वॉन्ट्स टचेस इमोशंस क्रिएट्स फीलिंग्स. ये आपका जो है जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उसमें यही है कि आपको स्टिमुलेट वॉन्ट्स आपको उस चीज़ की जरूरत महसूस होगी. टचेस इमोशंस आपके जो इमोशंस हैं उनको वो टच करेगा. आप फीलिंग्स क्रिएट करेंगे कि जी आई विल गो फॉर दैट आई डू दैट. वॉन्ट्स इन्फ्लुएंस मोर बाय इमोशंस और डिज़ायर. जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होंगी जितनी ज़्यादा आपकी इमोशन ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी वॉन्ट्स होंगी. देखें कुछ लोग होते हैं उनका कुछ नहीं क्योंकि उनमें कोई ऐसी डिज़ायर नहीं होती उनमें कोई इमोशंस नहीं होते. लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं मुझे अभी चाहिए मुझे भी चाहिए मैं उसके बगैर रह नहीं सकता मुझे भी चाहिए मुझे भी ला कर दें. इसका मतलब है उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग उसके इमोशंस हैं कि ही इज़ नॉट रेडी टू वेट. इस तरह उसकी वॉन्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है. डिज़ायर इज़ बेस्ड ऑन विशेज लॉन्गिंग्स एंड क्रेविंग्स. देखिए ये सारी जो आपकी डिज़ायर जो सी हैं ये किससे होती हैं. विशेज से आपकी लॉन्गिंग से आपकी क्रेविंग से. ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी डिज़ायर को बूस्ट करते हैं इंक्रीज करते हैं. इमोशंस हो गई एजिटेट्स पैशंस और फीलिंग्स. अब इमोशन जो सी होते हैं ये फिर आपके वही उसने कहा कि जी एजिटेट्स पैशंस और फीलिंग के जो आपके होते हैं जैसे हम कहते हैं यार अभी मैं कहता हूँ बस अभी मुझे चाहिए मुझे अभी वो है. तो ये अब आपकी क्या है कि ये आपकी इमोशंस हैं सारी. फिर इसी तरह एक और चीज़ है द इफेक्टिव और इमोशनल रिस्पॉन्स में लाइकिंग. लाइकिंग अ ब्रांड और एड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. देखिए जब आप किसी भी चीज़ को पसंद करेंगे तो भी आप उस पर जाएंगे. अगर आप एक ऐड को पसंद कर रहे हैं एक ब्रांड को पसंद कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एडवर्टाइजिंग भी कामयाब है वो ब्रांड भी कामयाब है क्योंकि उसको आपकी यानी कि लाइकिंग मिल गई है और नेचुरली जब आप उसको लाइक करते हैं यू विल गो फॉर दैट. फिर इसी तरह इफ़ अ कंज्यूमर लाइक्स द ऐड द पॉजिटिव फीलिंग विल ट्रांसफर टू द ब्रांड. जब आप किस चीज़ को पसंद करेंगे आपकी जो एटीट्यूड है वो भी आपको पॉजिटिव हो जाएगा टूवर्ड्स दैट ब्रांड. तो यही चीज़ है. इसके अलावा रेजोनेंस हेल्प द कंज्यूमर आइडेंटिफाई विद द ब्रांड ऑन ए पर्सनल लेवल. आप उसके साथ एक लिंक क्रिएट करेंगे एक रिलेशनशिप डिवेलप करेंगे. देखें पहली चीज़ ये है कि आप उस प्रोडक्ट को उस ब्रांड को लाइक तो करें. जब आप लाइक करेंगे तो फिर आप उसके साथ कुछ ना कुछ अटैचमेंट शो करेंगे उसके साथ रिलेशनशिप डिवेलप करेंगे. फिर इसी तरह एक और चीज़ जो सी है कि स्ट्रॉन्गर देन लाइकिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. देखिए लाइकिंग में तो यह है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है. रेजोनेंस में उससे एक एडवांस स्टेप होता है जहाँ पे जाके आप उसके साथ एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आप उसको अपनी ज़ात का या अपनी वो कहते हैं ना आपकी वो पहचान बन जाता है. तो यहाँ पे भी यही एसोसिएशन की भी बात है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिम्बॉलिक कनेक्शंस बिटवीन अ ब्रांड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिप्रेजेंट द ब्रांड्स इमेज एंड पर्सनैलिटी. फिर इसके बाद क्या होता है कि आप उसके साथ एक एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं. एसोसिएशन ये है कि आप हमेशा वही प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं. आप कह देंगे जी मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है माई चॉइसिस. ठीक है वो मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि एक ऐड था गालबन स्प्राइट का तो वो उसमें वो बड़ा वो यानी कि उसकी टैग लाइन नहीं चाहती कि माई चॉइस इज क्लियर माई चॉइस इज स्प्राइट. तो अब रीज़न क्या है कि वो एक एसोसिएशन डेवलप कर रहे हैं और वो किसके है कि जैसे उसके अगेंस्ट क्या आती है कोलर ड्रिंक्स. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग फॉर द कोलर ड्रिंक आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी कोलर ड्रिंक माई चॉइस इज क्लियर माई चॉइस इज स्प्राइट. मेरी चॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर है. अब ये दोनों सेंस में आता है. स्प्राइट का कोई कोई वो ट्रांसपेरेंट ऐसा कोई कलर नहीं लेकिन उसे दूसरे मुंह में भी ऐसा किया है. और इससे क्या है कि उसने एक एसोसिएशन डेवलप करने की कोशिश की है. अब इसी तरह सिंबोलिज्म है द ब्रांड स्टैंड्स फॉर ए सर्टन क्वालिटी. क्या यार ये क्वालिटी का ब्रांड है नंबर वन ब्रांड है इसलिए मैं इसको करता हूँ सिम्बोलिज्म. अब बॉन्ड और रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन दीज मीनिंग्स. ये बाज़ुकात ये होता है कि जी सबसे अच्छा ब्रांड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है ये लोकल ब्रांड है ये हमारा अपना ब्रांड है ये हमारा यानी कि नेशनल ब्रांड है.
अब कोई भी है, ये सारी चीज़ें जो सी आपने कोई भी सिम्बोलिज्म जो है उसकी वजह से आप उसके साथ अपने आप को अटैच करें। कंडीशन लर्निंग में क्या है, दी वे एसोसिएशन इम्प्लांट्स एन आइडिया इन द कंज्यूमर्स माइंड, इसको हम कंडीशन लर्निंग कहते हैं कि जो आपकी एसोसिएशन है वो आपको इम्प्लांट्स करें आइडिया इन अ कंज्यूमर माइंड के, उस एसोसिएशन से आपके जहन में कोई ना कोई आइडिया आता है, कोई ख़ास बात आती है और वो है एसोसिएशन में। फिर क्या, ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन, अ ब्रांड टेक्स ऑन मीनिंग व्हेन इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ प्रोडक्ट इनटू समथिंग स्पेशल। अब वो ये बात कर रहा है कि ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि वो जो ब्रांड ओनर्स होता है वो एक प्रोडक्ट नहीं रहता, नाउ इट्स बिकम पार्ट ऑफ यूर लाइफ, पार्ट ऑफ यूर पर्सनैलिटी। आप उसके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी मेरा उसके बगैर अब गुजारा ही नहीं है। सपोज आपको परफ्यूम यूज करते हैं, आप कहते हैं कि यार वो परफ्यूम मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है, जब मैं वो लगा लेता हूँ मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट, आई फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, बाज़ चीज़ होती है आप कहते हैं यार ये बहुत रिलायबल है इसलिए मैं उनको पसंद, बाद कहते हैं ये बहुत ड्यूरेबल है, बाज़ आप कहते हैं कि जी बहुत सेफ सिक्योर है। अब ये जो ब्रांड जो है ना वो आपको ये सारे एश्योरेंसेस दे रहा होता है। अपने गारमेंट से बहुत सारे लोगों से पूछो कि भाई आप ये पहन आप यूज़ करते हो, वो कहते हैं यार वेन एवर आई बाई आई फील कि दिस इज़ स्पेशली मेड फॉर माई फिजिक और फॉर माई सेल्फ, मैं इसमें बड़ा स्मार्ट नज़र आता हूँ, मैं इसमें बड़ा खूबसूरत नज़र आता हूँ, तो वो उसको उसके साथ लिंक कर देते हैं। तो वो एक प्रोडक्ट नहीं रहता, अब वो एक ब्रांड बन गया और उसके साथ उसकी एक एसोसिएशन डेवलप हो गई है। डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरी बाय वर्चू ऑफ इट्स इमेज एंड आइडेंटिटी। अब देखिए अब उसको आप ये नहीं कहेंगे, एप्पल को आप ये नहीं कहेंगे कि यार एक फ़ोन ही है ना, फ़ोन सेट ही है ना, नहीं जी एप्पल एक ब्रांड है। अब उससे पूछो जो एप्पल का फ़ैन है वो आपको बताएगा कि यार आपने क्या बात किया, वो पता ही कुछ नहीं है। देखिए मैं एक बात करूंगा, सिंपल बात करता हूँ, डायमंड का एक ब्रांड है जिसका नाम है डी बियर्स। अब मुझे ये बताएं कि डायमंड डायमंड ही है, उसका नाम डी बियर्स रख लें या कोई एबीसी बियर रख लें, ठीक है, डायमंड तो डायमंड ही है, उसकी अपनी उसकी है कि उसकी वैल्यू किस तरह होती है, उसकी साइज पे होती है, उसकी क्लैरिटी पे होती है, उसके कट्स पे होती है, तो वो उसकी हैं, वो अगर डी बियर्स का है या ए बी सी डी बियर्स है या कुछ भी है तो वो उसकी वो वैल्यू रहेगी। लेकिन डी बियर्स ने उसको इतना वो ब्रांडेड कर दिया है कि अब लोग ये नहीं कहते, पहले तो लोग कहते हैं जी मेरे पास डायमंड है, अब कहते नहीं जी ये डी बियर्स डायमंड है, ठीक है, गोल्ड गोल्ड ही है जिस मर्जी फॉर्म में हो, लेकिन अगर कोई उसको ब्रांडेड करके उसको बना देता है, इससे अभी भी लोग कहते हैं कि जी वैसी बात कर रहा हूँ, सपोज जी ए आर वाई गोल्ड है, भाई गोल्ड गोल्ड ए आर वाई हो या कोई और यू आर वाई हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, गोल्ड की तो वही वैल्यू है, वो 24 कैरेट है, 24 कैरेट, 22 कैरेट है, 22 कैरेट है, उसकी क्या नाम है क्लैरिटी, उसकी कितनी है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कितनी प्योरिटी है, उसकी वैल्यू तो वही है। लेकिन बाई एस्टेब्लिशिंग अ ब्रांड आप एक सर्टन एश्योरेंसेस दे रहे हैं। अब एक जो शख्स अगर वो ले रहा है तो वो कहते हैं कि जी डी व्यूअर्स का मतलब ये है कि जी कोई ये ना वाकई ही डायमंड है और वो है, अब जो मर्जी वो बना, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने उसको एक प्रोडक्ट से उसको ब्रांड बना दिया और उसके ऊपर उसका एक कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे यही है कि एसोसिएशन ऐसे ही डिवेलप नहीं होती, उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब ब्रांड कम्युनिकेशन में, अभी हम ब्रांड की बात करते हैं, ब्रांड कम्युनिकेशन में आपने क्या करना होता है, आपने ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप करनी होती है सबसे पहले, जैसे डी बियर्स एक ब्रांड आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद आपने ब्रांड पोजीशन, आपने अपने ब्रांड को पोजीशन करना होता है कि एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स वेयर एक्चुअली इट स्टैंड, जो उसके कंपटीशन में जो ब्रांड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वहां पर ये कहां स्टैंड कर रहा है। फिर इसी तरह आपका एक और चीज़ है ब्रांड पर्सनालिटी, जैसे हमारी ह्यूमन की पर्सनालिटी होती है, हम नहीं कहते कि ही हैज़ सच अ नाइस पर्सनालिटी, यार वो उसकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, या हम उसके अगेंस्ट भी कह सकते हैं कि यार उसकी तो कोई पर्सनालिटी नहीं है। इस तरह हर ब्रांड की जो उनसे एक पर्सनालिटी होती है। देखिए रिस्ट वॉचेस बहुत सारी हैं, रोलेक्स की एक अपनी उसकी है, मोबाइल फ़ोन बेशुमार हैं, वही बात है, क्यूब मोबाइल अपनी जगह है, एप्पल अपनी जगह है, सैमसंग की अपनी है,
तो जिस तरह ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इस तरह ब्रांड की पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। और ह्यूमन क्या कहते हैं, सर्टन ब्रांड जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करते हैं, वो उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ब्रांड इमेज, तो ब्रांड का इमेज क्या है, ब्रांड की भी इमेज हो। जैसे हम कुछ ब्रांड उनका हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छे ब्रांड है, ड्यूरेबल है, जैसे डालडा है। ठीक है, डालडा हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, डालडा डालडा, तो वो भी वही कहते हैं, माँ की ममता की तरह खालिस। ठीक है, तो वो डालडा एक उसका एक इमेज है। जॉनसन एंड जॉनसन उसका एक इमेज है। इस तरह आपके कैडबरी है, उसका एक इमेज है। चॉकलेट्स बेशुमार है, लेकिन कैडबरी चॉकलेट की एक अपनी उसका इमेज है। फूड में आप चले जाएं, बेशुमार फूड कंपनीज हैं, लेकिन नेस्ले की एक अपनी स्टैंडिंग है कि नेस्ले प्रोडक्ट है। तो इसी तरह ये कि ब्रांड का इमेज क्या है, ब्रांड प्रॉमिस। सिमिलरली हर ब्रांड अपने कंज्यूमर से कोई ना कोई प्रॉमिस करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रांड क्या प्रॉमिस कर रहा है। डॉलेंस रिलायबल है, मींस कि ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, मेल फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह आपका तो ब्रांड लॉयल्टी, कि आप कि किन फैक्टर्स पे उसका लॉयल्टी शो कर। जैसे हमारी बास ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लॉयल्टी होती है, जैसे वो आता है बहुत सारी चीज़ें हमारे, जैसे डालडा है सपोज, या मल्टीफोम वाले भी यही कहते हैं। तो वो ये कि वो लॉयल्टी डेवलप करते हैं कि जी बी लॉयल विद द ब्रांड। तो बाज़ का हम एक ही ब्रांड के साथ लॉयल होते हैं, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वही ब्रांड हमारे घर में आता है, सदियों से आ रहा है। ठीक है, दिस इज दी लॉयल्टी। परसुएशन में क्या होती है, द कॉन्शियस इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द सोर्स टू इन्फ्लुएंस द रिसीवर ऑफ ए मैसेज टू बिलीव और डू समथिंग। अब परसुएशन आपको यह है कि जहां पर जाके आप होते हैं टू डू समथिंग, आप एक्शन पे जाते हो, उसने आपको परसुएड किया, उसने आपको कहा कि जी गो फॉर द एक्शन। अब इसमें क्या एटीट्यूड्स, मेंटल रेडीनेस टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन इन अ गिवन वे। बेसिकली एटीट्यूड इज द परसिस्टेंट टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू बिहेव इन सच अ वे इन सर्टन सर्कमस्टांसिस। इसे हम कहते नहीं, ओ यार इसका तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, और मैं मुझे पता था ये इसी तरह ही करेगा, तो मैं उसके एटीट्यूड का नहीं पता। मीन्स कि जब एक खास सिचुएशन होगी, एक खास होगा, तो उसने इसी तरह ही बिहेव करना है। जैसे दोस्तों में नहीं होता, जब आप कोई भी कहेंगे यार वो कलेक्शन करनी है, कुछ खाने का प्रोग्राम बनना है, घूमने का, कुछ दोस्त होते हैं वो फ़ौरन निकाल कर देते हैं, कुछ होते हैं वो उस टाइम वो यार मेरा तो आज वॉलेट घर रह गया, मैं भूल गया, तो सारों को पता होता यार इसका तो एटीट्यूड ही है कि जब इससे कुछ पैसे मांगे इस पर पैसे निकलते नहीं, वैसे साधारण बातें करता रहता है। तो ये एटीट्यूड जो है ये आपको मेंटल रेडीनेस टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन इन अ गिवन वे। Arguments, use logic, reasons and proofs to make a point and build conviction. जब हम reasoning देते हैं कि यार मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इसमें ये बात है, ये मुझे ब्रांड इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें ये खास बात है, अब ये argument है, हम उसकी reasoning दे रहे हैं, हम logically इसको प्रूफ कर रहे हैं कि जी क्यों ये है, तो ये सारी जो सी हैं ये आपकी आएंगी persuasion में, attitude, arguments. Persuasion में एक और चीज़ है motivation, when something prompts a person to act in a certain way. आप मोटिवेट होते हैं, आपको दिल करता है कि आप इस तरह करें। फिर उसी तरह मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूजेस इंसेंटिव्स टू इनकरेज रिस्पांस। मार्केटर्स क्या करते हैं, वो भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव देता है, इनकरेज करता है, अभी कॉल करें, 3 दिन के अंदर खरीदें और 10% डिस्काउंट हासिल करें, आज खरीदें और सरप्राइज गिफ्ट हासिल करें, 15 तारीख तक खरीदें और ये हासिल करें। अब वो आपको क्या है, इंसेंटिव दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप एक्शन पे जाएं। कन्विक्शन प्रेफरेंसेस, कन्विक्शन जो है कंज्यूमर्स बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कंज्यूमर कहता है नहीं यार मुझे पता है ये हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये अब उसकी कन्विक्शन है। इसी तरह आपकी जो प्रेफरेंसेज जो हैं एंड इंटेंशन टू ट्राई और बाई अ प्रोडक्ट। प्रेफरेंस ये होता है कि हम कोशिश करते हैं हम इसको बाई करें, हम इसको यूज़ करें, हम इसको इस्तेमाल करें। सोर्स क्रेडिबिलिटी क्या है, इसी तरह एक और चीज़ आती है सोर्स क्रेडिबिलिटी। इसी तरह कन्विक्शन है, प्रेफरेंसेस है, सोर्स क्रेडिबिलिटी, कि हमें पता होता है कि यार दैट इज़ फ्रॉम रिलायबल सोर्स। नेस्ले की कोई भी प्रोडक्ट आए कि हमें पता है कि यार इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी,
हम उस पर उस तरह कंसर्न शो नहीं करेंगे जैसा कि नई प्रोडक्ट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो सी आपकी परसुएशन में आएंगी। परसुएशन में और कि आपकी लॉयल्टी है मेजर्ड बोथ एज एन एटीट्यूड एंड बाय रिपीट परचेजेस। आपकी लॉयल्टी क्या है, अगर आप बार बार चीज़ें खरीदें आप उतने ही है लॉयल हैं, और आपका जो एटीट्यूड टूवर्ड्स उसका कैसी है वो आपको इंडिकेट, अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आप उसका लॉयल्टी शो करेंगे। बिल्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी आपकी बेस कर रही होती है सेटिस्फेक्शन पे, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाई हैं तभी हम बाई करेंगे, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो वी विल नॉट बाई अगेन द सेम प्रोडक्ट। इन्वॉल्वमेंट्स रोल, द डिग्री टू विच अ कंज्यूमर इज इंग्रॉस्ड इन अटेंडिंग टू एन एड और मेकिंग अ प्रोडक्ट डिसीजन। इन्वॉल्वमेंट ये है कि कितनी, बास का ये होता है कि हम इतने होते हैं कि हम फोन करते हैं अभी अभी, बास का ये होता है कि हम कहते हैं कि ओके वी विल टेक वी विल बाय बट नॉट राइट नाउ लेटर ऑन। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका इन्वॉल्वमेंट रोल क्या है, कितने आप इन्वॉल्व हैं, कितनी जल्दी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप डिसीजन को लेट करना चाहते हैं डिले करना चाह रहे हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट लो इन्वॉल्वमेंट। बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स द एक्शन रिस्पॉन्स। इफेक्टिवनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल टू डू समथिंग। दिस इज बेसिकली बिहेवियर, कि जो आपको मोटिवेट करता है टू डू समथिंग या गो फॉर सर्टन प्रोडक्ट और गो फॉर द एक्शन। इसमें क्या है, एक आपका आता है ट्राई एंड बाय, कि आप अपना ट्राई करते हैं और उसके लिए आप खरीदते हैं। नेचुरली पहला स्टेप यही है कि आप कोई भी चीज़ ट्राई करेंगे बाय करेंगे, अगर आपको पसंद आएगी आप दोबारा जाएंगे, अगर खुदा न खासा नहीं पसंद आती तो यू विल नॉट गो फॉर द सेम प्रोडक्ट अगेन। इनिशिएटिंग एक्शन थ्रू ट्रायल, ट्रायल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लेट्स अ कस्टमर यूज द प्रोडक्ट विदाउट इन्वेस्टिंग इन इट्स परचेज। एक ये भी होता है कि बाज़ हम आपको ट्रायल देते हैं, जैसे गाड़ी लेने जाते हैं गाड़ी में क्या होता है कि वो कहते हैं कि जी आप आए अपनी फैमिली के साथ और टेस्ट ड्राइव करें, मींस आप गाड़ी को चलाएं, आप उसको यूज करें, आप उसको देखें, पसंद आए तो फिर उसके बाद बेशक आप उसको खरीद लें। इसी तरह बाज़ को सैम्पलिंग की जाती है जहाँ पे आपको वो टेस्ट करवाते हैं, आपको कहते हैं यूज करें, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो आपको कन्विंस करें और आपको मजबूर करें इस चीज़ पे कि ये एक अच्छी चीज़ है और आपको पसंद आई है। इसी तरह बिहेवियर में एक और चीज़ जो सी है वो कॉन्टैक्ट है। मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द एडवर्टाइजर्स कैन बी एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर आप अपने एडवर्टाइजर के साथ रब्ता कर रहे हैं नेचुरली, से मतलब कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आप पूछ रहे हैं, आप मजीद इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। प्रिवेंशन जो से इन्वॉल्व्स काउंटर आर्गुइंग बाय प्रेजेंटिंग नेगेटिव मैसेजेस अबाउट एन अनवांटेड बिहेवियर। फिर एक ये भी है कि आप ना अवॉइड कर रहे होते हैं इन्वॉल्व्स काउंटर आर्गुइंग बाय प्रेजेंटिंग नेगेटिव मैसेजेस अबाउट एन अनवांटेड बिहेवियर। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसके फेवर में जाएं, बाज़ का जो से नेगेटिव बिहेवियर भी डेवलप होता है। और उसके बाद दिस इज द बिब्लियोग्राफी फ्रॉम वेयर I collected all these information and presented in the form of lecture today. और ये वो सारे sources हैं। और उसके बाद finally lecture ख़त्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी अच्छी सी बात करनी है। और आज की अच्छी बात क्या है, the greatest gift you can give to someone is the purity of your attention. ये मैंने especially मैंने देखा है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास एक्सेस है टेलीविज़न की म्यूज़िक की, बास औकात हम रियलाइज़ नहीं करते, हम बैठे कहीं और होते हैं, हम बैठे किसी और के साथ होते हैं, लेकिन हमारा जो हमारी जो अटेंशन होती है, हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है वो किसी और के साथ होता है। मैं बैठा आपके साथ हूँ लेकिन मोबाइल पे बात मैं किसी और से कर रहा हूँ, बैठा हुआ मैं आपके साथ हूँ लेकिन आपको मैं अटेंशन नहीं दे रहा हूँ और मैं टेलीविज़न या अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहा हूँ, बैठा हुआ मैं आपके साथ हूँ लेकिन म्यूज़िक एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस सूरत हाल में सबसे अच्छी जो है कि किसी को भी अगर आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो ये है कि उसको अटेंशन दें, उसको तवज्जो दें, उसको अपने कीमती टाइम में से कुछ हिस्सा दें। और ये सब कुछ मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली पेरेंट्स को सामने रख कर। जब आप अपने पेरेंट्स के पास जाएं
तो उनको फुल अटेंशन दें, उनकी बात सुनें और कोशिश करें जिस तरह रिकमेंड किया जाता है कि आप बड़ों के सामने या किसी अहम टास्क के दौरान आप मोबाइल यूज़ ना करें। तो इसी तरह जब आप अपने पेरेंट्स के पास बैठे हों, अपने बड़ों के पास बैठे हों, तो उस टाइम मोबाइल पर अपने दोस्तों से या गैर ज़रूरी गुफ्तगू या उसका इस्तेमाल ना करें। सो द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन इज़ द प्योरिटी ऑफ यूर अटेंशन। सो बी अटेंटिव फॉर योर कोर्स ऑल्सो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।